कैसे हैं दोस्तों, आशा करते हैं आप लोग बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। तो आज हम लोग दर्शन करने वाले हैं बरी पटन देवी माता का, जो कि पटना में स्थित है। और दोस्तों, पौराणिक मान्यताओं के अनुसार माता सती का दाहिना जंघा इस स्थान पर गिरा था, तब से 52 शक्तिपीठ में से एक शक्तिपीठ ये भी है। तो इसके बारे में विस्तार से जो यहाँ के पुजारी जी हैं उनसे हम लोग जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए, आप सब दर्शन कीजिए बरी पटन देवी माता का। माता का दाहिना जांघ इसी स्थान पे गिरे थे। जो अभी दर्शन कर रहे हैं माँ का स्वरूप जो देख रहे हैं, उन्हीं का अंग में ये स्वरूप है। उनका महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती के रूप में जाना जाता है। आपका क्या नाम है? बबलू पांडे। तो आ गए हैं शक्तिपीठ श्री बरी पटन देवी माँ के मंदिर के प्रांगण में। यहाँ चारों तरफ देख सकते हैं, ऐसे यहाँ पे प्रसाद और फूल पत्ती का जो दुकान है, जैसे हर मंदिर के सामने होता है वैसे यहाँ भी है। तो देख सकते हैं आप सब, अब चलते हैं मैया जी का दर्शन करने। तो जैसे ही मंदिर में आते हैं तो इधर पे हवन का जगह है और इधर बड़े बड़े शेर की प्रतिमा बनी हुई है और ये है यहाँ पे। अब आ गए हैं हम बरी पटन देवी माता जी के पास और यहाँ पे प्रतिमा स्थापित है माता जी के, आप सब देख सकते हैं। जय माता दी। तो देख सकते हैं ये बरी पटन देवी माता है ना पुजारी जी? माँ शक्तिपीठ है, माँ तीन रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती, साथ में भैरव। यहाँ नगर रक्षिका है माँ। क्या? पूरा नगर का भ्रमण करती है, पूरा नगर पूरे पटना का। जी, पटना नगर इन्हीं के नाम से बसा, माही के नाम से। माता जी यहाँ कैसे प्रकट हुई थी, इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। सती का जो अंग गिरा, मतलब 52 शक्तिपीठ, 52 जो अंग गिरा उसमें से एक यहाँ भी है। दक्ष जो है कि बहुत बड़ा यज्ञ कराने वाले थे, सभी देवताओं को निमंत्रित किए, भोलेनाथ को निमंत्रित नहीं किए। तो माता ने सोचा कि हो सकता है कि भूल गए होंगे, आज थी नहीं होगा, इसकी वजह से भोलेनाथ ने मना किया कि हम नहीं जाएंगे, तुम्हें मत जाओ, क्योंकि जिस जगह पर इज्जत नहीं वहाँ जाने से कोई मतलब नहीं है। बिल्कुल, बिल्कुल। इसकी वजह से माता नहीं मानी, चली गई। तो सभी देवताओं लोग का आसन जो है था, मगर भोलेनाथ का आसन नहीं था, वही देख के पूरा क्रोधित हो गए और अग्नि कुंड में अपने आप को समर्पित कर दी। तो भोलेनाथ को पता चला, वो आए और सती को लेके पूरा अथी करने लगे, टांडो करने लगे, पूरा हकार मच गया सभी देवताओं में कि अब कैसे होगा। तो विष्णु भगवान अपने चक्र से माँ का जो सती का अंग को अलग अलग किए, वो यहाँ दक्षिण जंगा पटना में वस्त्र के साथ गिरा। यहाँ पे वस्त्र के साथ माता जी का क्या गिरा, जंगा? जी जी, बहुत कम ऐसा जगह है, तीनों शक्तियाँ एक साथ। तीनों सती हैं, कौन कौन सती हैं? महाकाली, महालक्ष्मी, महासती। क्या नाम है आपका पुजारी जी? मेरा नाम अरविंद बाबा हुआ, माँ अरविंद बाबा ना। आप लोग अभी दर्शन कर रहे हैं बरी पटन देवी माता का, जो कि पटना में, हमारे बिहार की राजधानी जो है पटना, वहाँ पे माता जी का मंदिर है। और इनके बारे में पुजारी जी से आप सब जाने, तो काफी महत्व है, यहाँ हर लोगों का हर मन्नत पूरा होता है। माँ का स्थान निर्माण हो रहा है, मेन भगवती का ही स्थान नहीं, मेन स्थान हुआ निर्माण। और उधर निर्माण हो रहा है, देख सकते हैं आप लोग। और इसमें बहुत जल्द माता जी विराजेंगी, तो इस जगह पे माता जी आप लोगों को नजर आएंगी। वैसे जो प्रतिमा है वो वही है, लेकिन उनको यहाँ पे स्थापित किया जाएगा। तो बहुत अच्छा लगा माता जी का दर्शन करके, काफ़ी मन प्रसन्न हो गया। तो अब चलते हैं, बहुत भव्य मंदिर बन रहा है। ये यहाँ पे कार्यालय है और लोग आते हैं तो जिनको दान दक्षिणा देना होता है वो यहाँ जमा करता है।
तो माता दाहिना जांग, ओ माता रानी का दाहिना, सती का दाहिना जांग यहाँ पे गिरा है मगध में जी। और यहाँ जो है माता रानी तीनों रूप में है। कौन कौन रूप? श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ का भैरव जो है व्योमकेश भैरव है जी। यहाँ का शक्ति सर्वानंद करिए, ठीक है, जगह है ना जी। क्या नाम है आपका स्वामी जी? नवीन कुमार पांडे। नवीन कुमार पांडे। पांडे आप यहाँ के पुजारी हैं जी। चलिए प्रांगण से और आप लोग आइए, इस नवरात्रे माता जी का दर्शन कीजिए। माता जी शक्तिपीठ हैं तो की क्या मान्यता है ये आप लोग जानते ही हैं, तो हम चाहते हैं कि इस बार आप लोग जरूर आए यहाँ पे और दर्शन करें मैया जी का। आप सबों का कल्याण होगा, तो अब चलते हैं यहाँ से।